पापा की मेंटालिटी क्या होती होगी, फिर आ गई इसको क्या चाहिए अभी, ये वो है ना, ये भाई नहीं चल रहा ठीक है, मेरे को लग रहा है खराब हो चुका है क्योंकि मैंने इसको प्लस इस पूरे कैमरे की इंडिया में जो मतलब अगर आप इंडिया से खरीदोगे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हेलो चैनल, तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मेरे कैमरा गियर की बात, मेरे पूरे कैमरा सेटअप की बात की बीइंग अ व्लॉगर अभी ऑलमोस्ट 4 लाख होने वाले हैं, पता नहीं 100 बच्चे हैं कुछ ठीक है। नीचे आगे ना रेड कलर का बटन होगा उसको ग्रे कर देना, ये पता नहीं भाई लिटरली 5-6 महीने से हो ही नहीं रहे, मतलब कि मैं पहले मेरी पेज सही चल रही थी यूट्यूब पे, फिर एकदम से स्लो डाउन हो गया। कोई बात नहीं भाई, हमने मेहनत करनी शुरू कर दी, 50 दिन हो गए डेली व्लॉग्स डालते हुए, थोड़ा बहुत मतलब मुश्किल लगता है मेरे को, टफ लगता है, लोगों ने बोला भी कि इट्स हार्ड टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, बट भाई डेली ब्लॉगिंग की वजह से मैं कुछ कुछ चीजें सीख रहा हूँ ठीक है। एटलीस्ट आई एम पुशिंग माई सेल्फ टू मेक वीडियोज, अपना काम ही कैम फिल्म मेकिंग भी पढ़ रहे हैं ठीक है, आगे जाके यूनि भी शुरू हो जाएगी, फिर धीरे धीरे करके ब्लॉग्स और क्वालिटी वाइज इंप्रूव होंगे और क्वालिटी मेरे ब्लॉग्स की अभी ना पिछले टाइम से कुछ, जैसे डेली ब्लॉगिंग आ रही है तो फटफट हम लोगों को वीडियो डालनी होती है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो मेरी मैकबुक है ना ये है 2017 की, लग नहीं रही ना ऐसे, बिल्कुल फ्रेश लगते हैं सारे, केयर करता हूँ मैं अपने गैजेट्स की, गैजेट तो डोरेमोन थोड़ी हो, जो मेरी मैकबुक है ना ये थोड़ी सी ना प्रोसेसिंग इसकी स्लो है, जैसे मैं कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा ना तो भाई अब बूढ़ी हो चुकी है ये है ना, इसके जवाब देंगे अंजर पंजर, तो थोड़ा सा ना स्लो हो जाती है एडिटिंग, इसलिए मैंने ज्यादा ट्रांजिशंस या फिर ज्यादा कोई शॉट्स अच्छे से मैं ले नहीं पाता, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं लूंगा उसके बाद मेरे को एडिटिंग करने में उसको बहुत ज्यादा देर लग जाएगी ऑलरेडी, अभी थोड़ा सा मतलब डेली ब्लॉगिंग जब से कर रहे हैं ऑनेस्टली से सीधी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, थोड़ा बहुत ना ऐसे मतलब समझ रहे हो टाइट टाइट सर, इधर लोग भी बोलते हैं कि तुषार भाई आप 8 मिनट की वीडियो डाल रहे हो, बड़ी क्यों नहीं डाल रहे, तो भाई मैं बड़ी तो डाल दूं बट इसकी ना प्रोसेसिंग करने में इसको थोड़ा सा ढीला आई है ठीक है। मेरा मैकबुक पहले जब पुराने टाइम में डालता था ठीक है वीडियोस, तो ऑलमोस्ट 10 मिनट के अंदर ठीक है एक्सपोर्ट हो जाती थी वीडियो, बट नाउ इट टेक्स अबाउट 40 मिनट्स ठीक है, प्लस एडिटिंग के टाइम पे भी ये ग्लिच हो जाता है, और भाई सिर्फ आई मूवी में ग्लिच हो जाता है, मेरे को आता फाइनल कट प्रो भी है ठीक है, मैं आई मूवी से करता हूं एडिटिंग, जिन जिन लोगों को नहीं पता, मेरे को आता मतलब 4 लाख हो गए फिर भी इससे कर रहा हूं, फिल्म मेकिंग पढ़ रहा तो भी इसे कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं फाइनल कट प्रो पे, बट भाई ये ढीला है इससे नहीं होगा ठीक है। और फाइनल कट प्रो, एडोब प्रीमियर प्रो, ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ है ना, आई मूवी पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं हम लोग की वीडियो कट कट करके डाली, गाने डाल दिए, स्लो मो डाल दिए, ट्रांजिशंस डाल दी ठीक है, टाइम लैप्सेस डाल दिए, बट फाइनल कट प्रो जब आएगा ना फिर देख लेना आपका भाई ऐसे आग फैला देगा, अगले महीने ले लेंगे, अभी फीस भरनी है, थोड़े से रिस्ट्रिक्शन है, हम लोग ऐसे इंडिया वाले ब्लॉगर की तरह नहीं है ना नॉर्मल की, भाई घर में सब खाना बन के आ रहा है, सब कुछ रेडी है ना, ये वो स्ट्रगल सब कर रहे हैं ठीक है, सभी लोग करते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है और बहुत सारी चीजें होती है, बींग अ स्टूडेंट मेरे को पढ़ाई भी करनी है प्लस फीस भी इकट्ठी करनी है, पे भी करना, तो बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग थोड़ा बहुत आराम आराम से चीजें करते हैं, अभी कैमरा अपग्रेड किया, मैकबुक अपग्रेड करेंगे, हाँ जो मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ जो आप फुटेज जिस पे देख रहे हो वो है सोनी A74 विद सोनी 14mm 1.4 अपर्चर, नहीं 1.4 नहीं 1.8 है, सॉरी गाइस ठीक है। हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कैमरे का, कैमरा कितना है खरीदा था ठीक है, थोड़ा टाइम पहले लिया था, मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा कैमरा कितने है क्या क्या, मैंने कुछ नहीं बताया था सॉरी गाइस, आज की इस वीडियो में सारा आप लोगों को हम बताएंगे ठीक है, मैंने स्टेप स्टार्ट किया था, कौन सा कैमरा था, धीरे धीरे करके कैसे अपग्रेड किया, क्या क्या चीजें, एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल तो आप लोगों को कैसे करना है, क्या दिमाग में चीजें रखनी है, और हाँ खुजली हो रही है भाई पता नहीं नहाने के बाद भी, एसी बंद किया ना, एसी ऑन कर दूंगा ना भों भों करेगा, और भाई इंस्टाग्राम पे भी धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं ठीक है, अपना इंस्टाग्राम है, अपन रील वगैरह बनाते रहते हैं ठीक है, फोटोज वगैरह डालते रहते हैं, तो अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम नहीं चेक किया जाके चेक करो ठीक है, तो Tushar Bareja20 ये है ठीक है, जाके चेक करो, और हाँ वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अपने सेकंड ईयर ऑफ बैचलर्स में ठीक है, बीबीए कर रहा था मैं तब, मेरे को ऐसे खुड़कसी मची, मैंने कुछ करते हैं भाई है ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर रहे हैं ना, बहुत मतलब लोगों को देख रहे हैं ये चीजें कर रहे हैं, वो फोटो वीडियो मतलब ब्लॉग्स डाल रहे हैं इधर उधर, और वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता ठीक है, ये आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता होगा जिन जिन लोगों को यूट्यूब स्टार्ट करने का मन है या फिर अगर आप लोगों को ट्राई करना है ठीक है, कि कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या स्ट्रगल होती है, ऐसे ही मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे, आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल ठीक है, ऐसे ही मैं देखा भी लोग कर रहे हैं ठीक है, ब्लॉग्स डाल रहे हैं लोग, मैं भी करके देख लिया ठीक है, फिर आज लगे हाथ ऑलमोस्ट 4 लाख हो गए ठीक है, नहीं अभी और मेहनत करनी है, लॉन्ग वे टू गो। जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब आई हैड iPhone 10, मैं मस्त यूज वगैरह करता था, बड़ा मैंने रो धो के पापा को बोला पापा दिला दो ऐसे करके, बहुत ज्यादा मतलब हो गया था ठीक है, बहुत सीरियस था माहौल, 5-6 महीने से मांग रहा था पापा ने कैसे करके दिला दिया। जब हम बड़े हो गए हम 1000 चीज सोचते हैं कुछ भी चीज खरीदने के लिए, और तब तो हम उठा के बोलते पापा ये दिला दो ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा टाइम बदल गया है, खुद जब बड़े होते हैं ना तो हम लोगों को अक्ल आती है कि हम लोगों को नहीं मांगना चाहिए था भाई, कितने ज्यादा स्ट्रेस होता है घर पे है ना, बहुत सारी चीजों के दिमाग में चीजें चल रही होती है बीइंग अ पेरेंट, तो अभी तो मैं पेरेंट नहीं बनाऊ बट फिर भी मैं वैसे कह रहा हूँ कि पापा की मेंटालिटी क्या होती होगी, फिर आ गई इसको क्या चाहिए अभी ये वो है ना, बट फिर भी पापा ने मेरे को दिला दिया था, तो आई वॉज यूजिंग iPhone 10 प्लस मेरे पास ना डेल का पुराना सा लैपटॉप था, तो मैं उसके ऊपर ना मूवी मेकर पे एडिटिंग करता था, तो
मैं वहां से वीडियो बनाई। मूवी मेकर पे एडिटिंग करते टाइम बहुत ज्यादा ना मतलब होती नहीं थी, ठीक है। अब पुराने टाइम में बहुत चलता था, फिर 2017 तक इतना नहीं था उसका क्रेज, तो बहुत ज्यादा ग्लिच होते थे, वीडियो ढंग से नहीं जाती थी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा स्लो हो जाती थी। एक बार मेरे को याद है मेरा शायद से थर्ड या फोर्थ ब्लॉग था, तो वो ना शायद से पापा से या भाई से ना गलती से वो क्रॉस हो गया था टैप, तो वो सारी फाइल डिलीट हो गई थी। मैंने 8 घंटे लगाए थे उसको एडिट करने में, बट ठीक है भाई। उसके बाद धीरे धीरे करके ब्लॉग्स एडिट करता गया, बहुत ज्यादा टाइम लगता था, 6 से 7 घंटे लगते थे करीबन मेरे को। उसके बाद 2 साल तक अपने कुछ भी नहीं भाई, 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए थे, मतलब 1000 मुश्किल से हुए थे मेरे बड़े, मेरे को याद है। फिर मैंने बहुत ज्यादा फिर कन्विंस किया, मेरा बर्थडे आ रहा था, मैंने पापा मेरे को मैकबुक चाहिए, मेरे को यूट्यूब करना है, और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स थे नहीं उस टाइम, ठीक है, 1000 भी मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है ढंग से, ठीक है, इतने ही थे कुछ, समझ जाओ। धीरे धीरे करके फिर मतलब बर्थडे आ रहा, मैंने पापा को कन्विंस किया, और मेरे को लैपटॉप लेना ही था जेन्युइनली, और कॉलेज वगैरह में भी चाहिए होता था, तो मैंने कहा ठीक है चलो ले लेते हैं, पढ़ाई वगैरह में पढ़ाई के लिए बोल दो ना घर वालों को कि इसमें दिक्कत आ रही, मेरे को चाहिए। तो फिर पापा ने लैपटॉप दिला दिया था, ठीक है। फिर ये 2017 में जाके मेरे को ये मैकबुक मिली थी। उसके बाद धीरे धीरे करके ना मैंने मैकबुक पे एडिटिंग करनी शुरू करी। हाँ, आईफोन के बाद मेरे पास ना एक पुराना छोटा सा कैमरा था, ठीक है, मैं उससे एडिटिंग करता था। वो पुराने कैमरे नहीं आते थे पॉकेट वाले, मतलब जेब में रख लो उसको पोर्टेबल से, तो उससे मैं उससे बनाना शुरू किया, उससे मजा नहीं आया। फिर मैं आईफोन पे ही आ गया, मैंने कहा आईफोन से ठीक वीडियो बन रही है। बनाता गया 150 वीडियोस बना ली, ठीक है, 5000 सब्सक्राइबर हुए मेरे। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मतलब देखो सुनो, पर ध्यान सुनो, फिर आप लोगों को खुद पता लग जाएगा। तो 5000 सब्सक्राइबर्स हुए, मैं वीडियो बनाता गया। उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया आने के बाद मेरे को था कि भाई गोप्रो खरीदना है, ठीक है, गोप्रो लेना है। बड़ी मुश्किल से $550 का मैंने गोप्रो लिया था, ठीक है, ये रहा अभी भी है इधर, ये देखो गोप्रो हीरो 8 मैंने लिया था, ठीक है, अब इसको चला के देखते चलता है कि नहीं। मैंने अभी भी सुबह चार्ज किया था इसको, पता नहीं चलेगा कि नहीं, देखो ये भाई नहीं चल रहा, ठीक है, ये मेरे को लग रहा है खराब हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको मतलब फिर बहुत ज्यादा यूज किया पहले 1-1.5 साल, फिर मैंने इसको यूज ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे को गोप्रो ना ऑनेस्टली पसंद नहीं है। इफ यूर बाइंग, मेरे बाल कैसे हो रहे, अभी नहा के निकला हूं मैं लिटरली। हाँ, इफ यूर बाइंग गोप्रो फॉर ब्लॉग्स या वीडियोस, इसकी ना एक आपको मैं डिमेरिट बताता हूँ कि इसकी ना अंधेरे में क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर अपने घर में हो, ठीक है, रूम में, मैं अज्यूम करता हूँ नॉर्मल लाइटिंग होती है, ठीक है, सबके घर में, जैसे कि मेरे घर में भी एक ही लाइट लगी है, ये लगी हुई, अभी तो बाहर नेचुरल लाइट से ब्लॉग बन रहा है। तो गोप्रो ना बाहर सनी डे में और बाहर शूट करने के लिए बेस्ट चीज है, बट ये इंडोर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो कभी अभी आपको शाम को वीडियो बनानी है, बिल्कुल अच्छा नहीं है आपको, इसके साथ फ्लैश लाइट पकड़ के या फिर इसका एक्स्ट्रा मॉड लगा के आपको फ्लैश वाला लेना पड़ता है, फिर भी मजा नहीं आता इसकी क्वालिटी में। तो मैंने इसको यूज करना बंद कर दिया था। फिर अपने लाख हो गए, ठीक है, तो मेरे लाख हो गए थे 2020 के जून या जुलाई में, ठीक है, 100,000 सब्सक्राइबर्स। तब मेरे को हो गया था कि भाई मेरे को कैमरा लेना है अब, तो ठीक है, अब कैमरा लेना है, मतलब लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद मेरे अंदर वो कीड़ा आया था कि मेरे को कैमरा खरीदना है। तब जाके मैंने ये, वैसे ब्लॉग थोड़ा दिल टू दिल बन रहा है, ठीक है, यूट्यूब के लिए जो जो बॉक्सिंग डे होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सेल लगी होती है बहुत ज्यादा, तब मैंने लिया था सोनी A6600, ठीक है, वो मैंने बेच दिया, इसलिए मैं आपको ऐसे फिजिकली नहीं दिखा पाऊंगा, बट ये देख लो क्लिप। तब मैंने सोनी A6600 लिया था, बड़ा खुश हुआ था भाई, बहुत वो हैप्पीएस्ट जो मैं लाइफ था कि मैंने ड्रीम कैमरा ले लिया, ड्रीम कैमरा ले लिया, कैमरा नहीं कैमरा, विद सिग्मा 16mm 1.4, हाँ यही था लेंस मेरे पास। वो सेटअप लिया, उसके अंदर माइक वगैरह भी लिया, ट्राइपॉड भी लिया, ठीक है, ये सब। और उस दिन से तो मैं बहुत खुश था कि कैमरा आ गया, मस्त भाई, अपना पूरा बुके इफेक्ट आएगा, पीछे ब्लर हो जाएगा, ब्लॉग तगड़े बनेंगे। अरे भाई ब्लॉग तगड़े बनाने के लिए यू नीड अ रियली गुड स्टोरी। ब्लॉग को बनाने में ऐसे नहीं कि कैमरा उठा के मैं कहीं पे भी घूम रहा हूँ, वो चीज नहीं चलती, यू नीड अ स्टोरी की ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कंक्लूजन दिया। तो वो कैमरा मेरे को करीबन मिला था $2200 का, और $550 का लेंस था, $300 का मेरा माइक था, और $300 का मेरा $150 का मेरा ट्राइपॉड था, मैच कर लेना, ठीक है अपना। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो जाके कैमरा लिया था, फिर जाके मैंने अपना पहला कैमरा खरीदा, ठीक है। उस कैमरे को 2 साल मैंने यूज किया करीबन। अब उस कैमरे के अंदर प्रॉब्लम्स क्या आने लगी, वो था ACP, ठीक है, मतलब क्रॉप सेंसर उसका लेंस था और क्रॉप सेंसर वो कैमरा था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो आईफोन के फ्रंट कैमरे से वीडियो, तो जैसे ये मेरा कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, ये मेरी इसकी क्वालिटी कैमरे की, ये मेरे आईफोन की है, ठीक है, बिल्कुल क्रॉप्ड है, बहुत ज्यादा क्रॉप्ड है, इसमें बहुत ज्यादा बैकग्राउंड दिख रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं, बट इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा, इतना ही दिख रहा है ना। तो आईफोन की क्वालिटी और उसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम थी, उसकी ज्यादा डिटेल थी, ठीक है, 4K में थी, उसमें पीछे ब्लर हो जाता था, ठीक है, 1.4 अपर्चर की वजह से, बट इसके अंदर नहीं होता, आईफोन के अंदर, आईफोन 10 में नहीं होता था, इसमें तो अब आने लग गया है, ठीक है, सिनेमेटिक मोड। वो कैमरा मेरे को ज्यादा मजे नहीं करा रहा था, मतलब मैं कहीं भी जा रहा हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया दिखाना है भाई मेरे को आप लोगों को, है ना, तो मैं ऐसे लोगों को मेरी ही शक्ल दिख रही है ना, मतलब मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो ऐसे दिखा नहीं सकता था मैं ज्यादा आगे करके, मजे नहीं आते थे उस कैमरा को यूज करने में। मैंने कहा ठीक है फिर भी। उसके बाद मैंने लिया ये Crane 3, ये लिया मैंने, ये है Crane 3 गिम्बल, ठीक है, ये मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि उस कैमरे के अंदर स्टेबिलाइजेशन नहीं थी, ठीक है, बाहर घूम रहा है, हिल रहा, बहुत लोग बोलते तुषार भाई बहुत ज्यादा हिलाने लग गया कैमरा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा भाई कैमरे को टक्कर लग गई, ठीक है, ये खोलते हैं, ये बैग है छोटा सा, ठीक है, लेडीज जैसा है छोटा सा बिल्कुल। तो ये है मेरा गिम्बल, ठीक है, इसको मैंने आज तक यूज नहीं किया वीडियोस में, कभी भी यूज नहीं किया, ये मैंने खरीद लिया था क्योंकि उसकी स्टेबिलाइजेशन नहीं थी, मैंने कहा इसको ना ऐसे पकड़ के ब्लॉग बना लूंगा, बट ये हल्का सा भारी है और कैमरा इसके ऊपर और लग जाता था तो और ज्यादा भारी हो जाता था।
तो इसको मैंने ऑनेस्टली सिर्फ एक चीज, मतलब ये मेरी वेस्ट इन्वेस्टमेंट थी, मेरे को इसकी इतनी जरूरत नहीं थी। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखो ये भी ऑफ है, मैं यूज ही नहीं करता भाई, सब लोग बंद है। इसकी सिर्फ मैं लाइट यूज करता था, ठीक है, फ्लैश लाइट है ये, सिर्फ लाइट लगा के कोई जूम मीटिंग होगी कुछ होगी रात के टाइम, इसलिए मैं यूज किया करता था। ये लिया, ठीक है, ये करीबन था $600 का, वेस्ट हो गया, ठीक है, इतना ज्यादा मैं इसको यूज नहीं करता, तो इसको मैं बेचने पर लगा दूंगा या मैं इसको सीख लूंगा। उसके बाद मेरी जो अगली चीज थी वो था मेरा ड्रोन जो क्रैश हो गया, ठीक है, पेड़ में घुस के। वो भी वीडियो मैं नहीं डाल पाया, कभी यूट्यूब मैंने अपलोड नहीं करी, क्योंकि वो कार रिव्यू वीडियो के लिए करने के लिए मैं बहुत दूर गया था यहाँ से, ड्रोन क्रैश हो गया, बारिश हो गई, ज्यादा अच्छी वीडियो नहीं बनी मैंने डाली। तो वो ड्रोन क्रैश हो गया, पेड़ में अटका हुआ है यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, 200 मीटर लंबे पेड़ के अंदर, पता नहीं क्या हाइट थी पेड़ की, छोड़ो क्या जाननी है, तो उसके अंदर अटका हुआ था। फिर मैं बहुत उदास हुआ भाई, 8-9 महीने फिर मेरे को ये एज अ गिफ्ट मिला, DJI Mini 3 Pro, ठीक है, इसको मैं यूज करता हूँ, मस्त उड़ाता हूँ, सेक्सी सा ड्रोन है ये मेरा कैमरा गियर के अंदर एडेड है विद फ्लाइमोर कॉम्बो किट, इसके अंदर पूरी किट है, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल मैं नहीं बताऊंगा किस चीज के बारे में, क्योंकि मैंने सब कुछ चैनल पे पीछे दिखा रखा है। ड्रोन आ गया, अब ड्रोन के बाद अगली चीज मेरे पास क्या है कैमरा गियर में यूट्यूब के लिए, वो है ये वाला कैमरा। तो मैंने जो ये वाला कैमरा लिया था, तो ये वाला जो लेंस है ये है सोनी 14mm 1.8 एपर्चर प्लस सोनी A74 फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि भाई ये अल्ट्रा वाइड एंगल है, ठीक है, और ये जो लेंस है ये लेंस इटसेल्फ इज फॉर $1800, ये लाख रुपए का लेंस लगा लो, और ये जो इसकी बॉडी है ये करीबन करीबन मेरे को पड़ी थी $3000 की सेल वाले दिन, ठीक है, वैसे इसकी वैल्यू 5500 कुछ लगा लो 5600, बट मैंने बॉक्सिंग डे वाले दिन लिया था तो जाके मेरे को $4800 का पड़ा था। प्लस इस पूरे कैमरे की इंडिया में जो, मतलब अगर आप इंडिया से खरीदोगे तो इसकी इतनी वैल्यू है, ठीक है, स्क्रीन पे आ गई होगी। ऑस्ट्रेलिया में कैमरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए अगर आप लोगों को कोई चीज ऐसी खरीदनी है खरीद सकते हो यहाँ से। तो मैं आप लोगों को ये सब क्यों दिखा रहा हूँ भाई, मैंने इतना सारा कैमरा और ये सब क्यों दिखाया, कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, मेहनत भी करते हैं, डिलीवरी भी करते हैं, सब कुछ दिखाता हूँ अपने चैनल, क्या कर रहा हूँ, क्या चीजें मैंने खरीदी है। एक सेकंड, बस उस पर लगा देता हूँ वापस कैमरे पे। और एक और चीज, जो भी आप लोगों के पास गियर है, जो भी फोन है, जो भी चीज है, उससे स्टार्ट करो, ठीक है, ये मत एम करो कि मेरे को तब इतना बड़ा कैमरा लेना है फिर करना है स्टार्ट। कि तुषार ने भी कैमरा लिया भाई, मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद लिया था, ये वाला कैमरा मैंने 2.5 लाख सब्सक्राइबर के अराउंड लिया था, नहीं 2.5 लाख नहीं, 2,70,000, 2,80,000 ऐसे गोल सेट कर लो, 1 लाख होंगे तब खरीदूंगा, 1 लाख तक मेहनत करो, ठीक है, उसके बाद ऐसे 2 लाख तक, जैसे मैंने अभी 4 लाख तक करी है ना, वैसे मतलब पूरी ढंग से नहीं करी बट और तगड़ी तरीके से। तो हाँ, इतना ज्यादा पैसा क्यों लगाया गया है कैमरे पे, क्योंकि भाई इसकी नाइट क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, प्लस इट इज अल्ट्रा वाइड, इफ आई एम गोइंग आउट एज एम स्टार्टिंग फिल्म मेकिंग तो मेरे को उसके अंदर भी जरूरत पड़ेगी आगे जाके, प्लस मेरे को यूट्यूब का गियर थोड़ा सा इंप्रूव करना था, और मेरे को कैमरा एक बेस्ट लेना था कि मेरे को 2-3 साल तक कुछ खरीदने की टेंशन ही ना हो। तो ये मैंने वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि भाई जैसे जो मेरे जैसे मतलब सोच रखते थे कि मेरे को YouTube करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, तो करो भाई, अगर आप लोगों को जो भी YouTube चैनल खोलना है किसी भी नीश में करना शुरू कर दो। सोचते रहोगे ना मैं करूंगा एक दिन, मैं करूंगा एक दिन, नहीं होएगा भाई, ऐसे कभी नहीं होएगा, है ना, ऐसे हमेशा बोलते हैं कि कल ही करते हैं भाई, आज रहने देते हैं, वो कल किसी का आता ही नहीं। तो मैंने कहा सोचा था कि मैं इतना बड़ा कैमरा खरीदूंगा, ठीक है, इतने सारे गियर्स खरीदूंगा, आईफोन से ही तो करता था मैं, ठीक है, अपना ब्लॉग वगैरह शूट। ये था मेरा पूरा कैमरा गियर, प्लस ये कोई अगर अभी भी लग रहा होगी भाई शो ऑफ की वीडियो, इतना महंगा तो दिखा रहा है, ये सब क्या जरूरत थी लेने की, अब तो खरीद लिया, अब गलती समझो क्या समझो मेरे को नहीं पता, बट इट्स गिविंग मी द बेस्ट आउटपुट। बस अब एडिटिंग को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेकर जाना है, वो हम धीरे धीरे करके कर लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, गुजारिश की सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह फ़ॉर मेलबर्न बॉय फ्रॉम इंडिया, पीस। और कुछ तो नहीं था तो भाई सारी वीडियो घर पे बैठ के बनाओगे तो शार भाई, तो भाई अभी कल ना कहीं निकलना है फ्लाइट लेके, तो फिर बाहर की वीडियोज आएंगी, ठीक है, उसके बाद भी तगड़ा तगड़ा कंटेंट आने वाला है, एक हाथ तो चलता है ना घर पे बैठ के, एक नहीं दो होगी इस हफ्ते की।